Assalamu alaikum everyone, this is me Muqaddas Haider and welcome to my YouTube channel. आज जो वीडियो है वो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मैंने 2022 में फर्स्ट टाइम यूज़ किए और उनका रिव्यू भी टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रही. सो अभी टाइम आ गया है कि क्या मैं अगेन इस साल में वो वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करूँगी या उनको स्विच करूँगी. क्योंकि देखो होता क्या है, आप एक चीज़ यूज़ करते हो, आप कहते हो हाँ इट्स ओके, लेकिन फिर भी कोई और दूसरी प्रोडक्ट मिल जाए. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कहते हो कि ओके सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जिसके लिए मैं इतने अरसे से जलील हो रही थी, इतने अरसे से हवाल हो रही थी. सो ये भी फाइनली मुझे मिल गया है. सो अभी मैं क्या करूँगी, अपने जो कमिंग डेज हैं, कमिंग ईयर्स हैं, उसमें यही प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने वाली हूँ. अब आई डोंट नो अबाउट यू गाइज कि आप लोगों का क्या किस तरह से रूटीन है, बट मेरी तो ऐसी है कि जब मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सारी नीड्स को फुलफिल करता है, वो मेरे साथ हमेशा रहता है. ठीक है ना, फटाफट से करते हैं वीडियो स्टार्ट. और मेरे जो मैसी बाल हैं अभी इनको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने थोड़े पहले शॉवर लिया था और अभी बाल जो है आपको पता है जब इस तरह से होना और एयर ड्राई हुए हुए हो तो फिर वो थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो कि मुझे अभी, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सो सबसे ज़्यादा मज़े की जो प्रोडक्ट मुझे लगी है और मैं जो रेकमेंड करूँगी ना आपको, वो है एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए. क्योंकि मुझे पता है एक्नी प्रोन स्किन वाले बेचारे बहुत ज़्यादा हवार होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये. सो ऐसे लोग जिनके फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स हैं लेकिन बहुत सीवियर किस्म की नहीं है, मतलब आती जाती रहती है, और कुछ उनकी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा नहीं है. सो उस चीज़ से रेलिवेंट मैंने ट्राई किया था ये द ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन. इसकी कंप्लीट वीडियो एक मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं और मुझे कैसा इसका रिजल्ट मिला. मैं आप लोगों को उस वीडियो में रिकमेंड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, है रिकमेंडेशन का तो आपको अभी भी पता चल जाएगा. वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं हम लोग की क्या मैं इसको रेकमेंड करती हूं या नहीं, या फर्दर मैं इसको 2023 में इसको यूज करूंगी कि नहीं. तो डेफिनेटली नहीं कैसे कह सकती हूं, मैं डेफिनेटली इसको यूज करूंगी. मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरी एक्नी को काफी हद तक कंट्रोल किया है. सो ये रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं इसको 2023 में भी यूज करना चाहूंगी. इवन आफ्टर दैट अगर तरफ से रेकमेंडेड है, मुझे सूट किया है, आप लोग अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली मेरा रिव्यू देखने के बाद इसकी यू नो फर्दर डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसको यूज करना है कि नहीं. सो एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए अभी इन सारी प्रोडक्ट में से एक और प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ और वो है फाउंडेशन. ठीक है, अब ये लास्ट ईयर 2022 में मुझे इस प्रोडक्ट का पता चला, मैं जब इसको यूज़ किया एंड आई वाज यू नो थोड़ी सी कंफ्यूज के क्योंकि मैं दिखा देती हूँ. ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है जनाब मेकअप प्रोडक्ट, एक फाउंडेशन है, और जिन लोगों को एक्नी का इशू है उनको पता होगा कि डॉक्टर्स उनको मेकअप करने से अवॉइड करते हैं कि भाई मेकअप ना करो, आप लोग छोड़ दो. सो लेकिन कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं कि जब आप मेकअप करना आपको आपकी मजबूरी बन जाती है, किसी फंक्शन पर जाना है आपने, या इवन कुछ लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे होते कि मतलब मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँ. इवन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि वो मतलब उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्यों नहीं वो कर पाते. आई नो मैं इन सारी फेजेस से गुजर चुकी हूँ, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट आई नो. लेकिन खैर उन चीज़ों को साइड पर छोड़ते हुए, ये एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लास्ट ईयर मैंने इसको यूज़ किया और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ना सिर्फ आपके मेकअप के तौर पे काम करेगा, यानी कि आपको जो फाउंडेशन की कवरेज चाहिए आपको वो देगा, साथ ही साथ आपको पता है आप कोई और अगर फाउंडेशन यूज करते हो ना तो वो आपके ब्रेकआउट्स को बढ़ाती है, मल्टीप्लाई करती है. ठीक है, या अगर ब्रेकआउट्स नहीं भी हैं तो आपकी स्किन के टेक्सचर को ख़राब करती है, लेकिन ये वाला जो है फाउंडेशन ये आपकी एक्नी को ठीक करेगा. ठीक है, मतलब खुल गई ना आंखें और कान. ये आपकी जो है एक्नी उसको ठीक करेगा क्योंकि इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड. मेरे ख्याल एक्नी के लिए एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, सो डेफिनेटली मैं इसको फर्दर यूज करना चाहूंगी. इवन ये बॉटल अभी जो है ना मेरी हाफ आई गेस होगी, नजर नहीं आता ना ये आवाज़ आती है. सो मेरा ख्याल है हाफ होगी और अभी मैं इसको अगेन परचेज करना चाह रही हूँ. अभी इस पर चल रही थी सेल, सो मुझे ये था कि सेल की प्राइस पे मैं इसको परचेज कर लूँ. सो डेफिनेटली 2023 में भी करूँगी, फर्दर भी करूँगी. उनको दिखाऊंगी वो है स्किन ब्राइटनिंग को लेके. इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे वो यू नो पोर्स का कोई इशू है या आपका टेक्सचर स्किन का अच्छा नहीं है, स्किन डल हो गई है, तो उसके लिए मैंने ये ट्राई किया था लास्ट ईयर यानी कि 2022 में, और ये है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट
स्विफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, ठीक है, ये एकदम से आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। रिव्यू भी मैंने काफी वीडियोस में दिया हुआ है, आप लोग अगर चाहो तो आप देख सकते हो। ये आपके पोर्स को काफी हद तक ना ये श्रिंक करता है, बिल्कुल खत्म नहीं करता बट श्रिंक करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को भी अच्छा करता है, ब्राइटन अप भी करता है। डेफिनेटली मैं इसको आगे भी यूज करना चाहूंगी, अभी तक मैं इसको कर रही हूं। और आप ये हिसाब लगा सकते हो कि सबसे पहले मैंने ना इसकी छोटी सी बॉटल आती थी, मेरा हालांकि 22 ml की आती थी, वो मैंने परचेज की, 2-3 times वो परचेज की, वो खत्म हुई। उसके बाद फाइनली अभी जो है वो 65 ml का इसका जो मैंने ट्यूब है ये मंगवाया, ये जो बॉटल है अभी इसमें मेरा ख्याल है कोई 120 ml का भी आता है, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह वही परचेज करूंगी। सो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे कितना पसंद है, टोटली रिकमेंडेड, और आगे भी मैं इंशाल्लाह इसको यूज करने वाली हूँ। कि हमें कोई नाइट क्रीम बताएं, सो आजकल जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है लिव ग्लो बाय लिव फार्म, और ये एक ऐसी नाइट क्रीम है कि जिसने मेरी पिगमेंटेशन का काफ़ी हद तक इशू जो है ना वो रिजॉल्व कर दिया है। बट हाँ, अगेन वो बात मैं आपको बोलूंगी कि पिगमेंटेशन किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से आपकी नहीं खत्म होने वाली है, अपने पिगमेंटेशन को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प की है, ठीक है। सो टोटली रिकमेंडेड है और डेफिनेटली मैं अगले साल भी यूज़ करूंगी। इस तरह से टोटली रिकमेंडेड है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हद तक ब्राइटन अप करता है, कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होंगे, अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्नी प्रोन है। सो अगर मेरी स्किन टाइप के लिए काम कर रही है, सेंसिटिव भी है, तो फिर मेरा हालांकि सबकी स्किन के लिए काम करना चाहिए इसको। जो जिस मकसद के लिए आप इसको परचेज करोगे, स्किन के टेक्स्चर को बेहतरीन करती है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, दानों के निशान है, उन सबको कवर करती है। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैं अभी मजीद कोई और ब्रांड स्विच करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, यही अगेन परचेज करूंगी, अभी इट्स अबाउट टू एंड, तो अगेन यही परचेज। लोग मॉइस्चराइजर्स की, क्योंकि रैंडम चीजें मैंने उठा के लेकर आई हूँ और रैंडमली आप लोगों को बता रही हूँ, सो आपको वीडियो सारी जो है वो एंड तक देखनी है, कोई पता नहीं काम वाली प्रोडक्ट जो है वो एंड पे आ जाए। सो अभी क्या था, 2022 में मैंने ये सर्वे का मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मैंने ट्राई की थी फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। बेसिकली मेरी जो स्किन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन इन समर्स, लेकिन जैसे सर्दियां स्टार्ट होती है तो नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है। सो मैंने ये सर्दियों में ही परचेज किया था, भी काफ़ी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और एक ऐसा है ना, समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनको बार बार लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर। सो एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप सुबह लगाओगे ना, शाम तक आपकी स्किन को अच्छा खासा वो हाइड्रेट रखेगा। सो डेफिनेटली मैं जो नेक्स्ट सर्दियाँ आएंगी तब यूज़ करूँगी। अभी ये हाफ हुई है ऑलमोस्ट, शायद अभी हाफ से भी ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाती हूँ, मेरी स्किन सुपर ड्राई नहीं है इसलिए कम भी यूज़ हो जाती है। सो इन सर्दियों में मेरी खत्म नहीं होने वाली, और मुझे पता है कि नेक्स्ट सर्दियों के लिए मैं इसको संभाल के रख दूंगी और नेक्स्ट सर्दियों में ही इसको लगाऊंगी। सो डेफिनेटली 2023 की सर्दियों में भी अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो ये लाजमी यूज़ करूंगी। सनब्लॉक की, सो सनब्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा लगाएं, मिनरल है, केमिकल वाला है, ये है वो है। आजकल जो मेरा फेवरेट है वो सिर्फ एक ही है, जो कि है सनलिव। ये भी अगेन उसी ब्रांड का है जिस ब्रांड की ये वाली क्रीम है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैं कहती हूँ, ये कहाँ थी कि मतलब बहुत कहते हैं ना देर कर दी आने में जनाब, ऐसे ही कोई लाइन थी आई गेस। अच्छा, ये वाला जो है सनस्क्रीन, ये बहुत अमेजिंग है, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड सी इसकी खुशबू है, मीठी मीठी सी। और डेफिनेटली मैं अभी फर्दर यही सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर में भी यही यूज़ करूँगी। देखो, मैंने एक और ब्रांड का भी यूज़ किया था, लेकिन वो भी क्वाइट ठीक था, वो भी मतलब मुझे इसके बराबर ही लगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव था। ये वाला जो है ये काम भी बराबर का कर रहा है, और दूसरा आपकी जेब पे भी भारी नहीं है। जब आप परचेज करते हो ना, तो उसकी आप सिर्फ एक पहलू नहीं देखते हो कि ये हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि कितना बजट फ्रेंडली है, ताकि आप उसको अगेन एंड अगेन परचेज भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा होता है ना, आप महंगी प्रोडक्ट ले लो एक दफा, आपकी स्किन को उसकी यूज टू हो जाए, उसके बाद आप उसको परचेज ही ना करो, फिर आप गंदी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाओ जो कि सस्ती हैं। सो बजाय इसके कि आप इस तरह स्विचिंग करते रहो, बेहतर है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लो जो कि आपकी जेब पे भी भारी ना हो और आपकी स्किन को भी सूट कर रही हो। सो मेरी स्किन के लिए अमेजिंग है, डेफिनेटली इस साल में, उससे अगले साल में भी लाजमी यही यूज़ करूंगी। हाँ, बीच में, क्योंकि अब मेरी फील्ड इस तरह की है, मुझे स्विच करना पड़ेगा आप लोगों को रिव्यू देने के लिए, लेकिन अभी तक तो जितने मैंने सनस्क्रीन यूज़ किए हैं उसमें से रिकमेंड मैं यही करती हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं ना, वो ये भी आते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी और रफ है, और जैसे सर्दियाँ भी आ रही हैं, लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो उनके बाल ज़्यादा बम फूट जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों के सामने है, मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई स्ट्रेट नहीं किया हुआ, कोई ब्लो ड्राई से बाल नहीं किए हुए, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा टेक्स्चर का कि किस तरह से ये गर्म पानी जितना ज़्यादा आप बालों पर यूज़ करते हो उतना ज़्यादा बम फूट जाता है।
उसके लिए क्या है जो रिसेंटली मैंने ट्राई किया लोरियल का है ये हेयर सीरम, ठीक है, ये इनका लास्ट ईयर में मैंने 2022 में परचेज किया था एंड ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हीट प्रोटेक्टिंग के तौर पे काम करेगा, बालों का जो फ्रिज है उसको एकदम से ऐसे खत्म करता है, फिर इसके अलावा इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है, और मतलब काफी इसके बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली मैं अभी ये वाली इसकी बॉटल जो है ये खत्म होगी, अभी इसको मैं कभी कभी यूज करती हूँ क्योंकि इससे पहले जो था लिवॉन का मैंने लिया हुआ था जो कि मेरा बचपन से आई मीन मेरे स्कूल टाइम से या मेरे कह लो कॉलेज टाइम से मैं यूज करती आ रही हूँ, वो भी था, वो भी खत्म होगा तो फिर मैं ये यूज करूंगी। इसको मैं तब तब यूज करती हूँ जब जब मैंने कोई हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करना हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आगे जब मेरा लिमोन का खत्म हो जाएगा तो भी डेफिनेटली मैं पक्का पक्का यही यूज करूँ। फेस वॉश की जब बात कर लेते तो फेस वॉश में 2022 में जो मैंने परचेज किया था वो था लिप ग्लो, ठीक है, और ये भी इसी ब्रांड का है जिस ब्रांड की ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मैंने दिखाई हैं। सो टोटली रिकमेंड मैं करती हूँ, फर्दर में मैं इसको यूज़ करना चाहूँगी। स्किन को एकदम से निखार स्किन के ऊपर लेके आता है, कॉम्प्लेक्शन आपका अच्छा होता है, साथ ही साथ आपकी जो वो कहते हैं ना पिगमेंटेशन है उसको काफ़ी हद तक कम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिगमेंटेशन कभी भी एक प्रोडक्ट से ख़त्म नहीं होने वाली है, आपको पूरी स्किन केयर रूटीन जो है वो चेंज करनी पड़ती है। सो मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो चेंज की, उसमें एक ये प्रोडक्ट भी है तो आगे भी मैं यूज करूंगी। ओके, अब बारी आती है क्लेंजर्स की। सो क्लेंजर जो है वो मेरे मौसम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, मौसम के मुताबिक ही आपकी स्किन टाइप भी चेंज होती है। जैसे गर्मियां थी तो गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली थी, सेंसिटिव थी और एक्नी प्रोन थी, तो तब मैंने ये वाला फर्स्ट टाइम यूज किया था सेरावे का फोमिंग क्लेंजर फॉर ऑयली स्किन। ये मैंने गर्मियों में ही यूज करना स्टार्ट किया था एंड ट्रस्ट मी, एक ये वाला प्रोडक्ट और एक ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये दोनों एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए ना गिफ्ट्स हैं। सीरियसली अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया ना, लाजमी ट्राई करो मेरे कहने पे। लेकिन दोनों अगर ये वाला आप कर लो फिर उसके बाद ये वाला भी ऐड कर लो, लेकिन दोनों को ऐड करो आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर एक्सपेंसिव लगते भी है ना तो भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, बजाय से कि आप डॉक्टर्स के जाके फीसें दो। मैं पहले महंगी चीज़ों के हक में नहीं थी, इवन अभी भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे पता है एक्नी की फेज से गुजर रहे हैं ना, वो लोग मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि यार डॉक्टर्स के पास हम इतनी फीसें भरते हैं लेकिन हमें इलाज ऐसा नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए। सो मेरा ख्याल है अगर आप इतनी फीसें भर के आए हुए हो ना, तो फिर आपको अगर मैं बोल दूँ कि एक ऐसा क्लेंजर है जो कि आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देगा और काफ़ी हद तक आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगा, तो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल है आप लोगों को इसको परचेज करना चाहिए। ये मैंने परचेज किया था कोई 4000 या 4500 के आगे पीछे, गर्मियां मैंने गुजारी हैं, हाफ हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको वंस इन अ डे यूज करती हूँ, वो भी रात के टाइम पे, हाफ ये हुआ, ठीक है, और अगेन ये इसको मैंने रख दिया क्योंकि आगे सर्दियां आ गई, मेरी स्किन टाइप चेंज हो गई, सो मैंने नया परचेज किया। अब बताने का मकसद ये है कि 2022 की गर्मियों में मैंने यूज किया है, बाकी हाफ बॉटल जो है वो 2023 की गर्मियों में मैं यूज करूंगी। यानी इस तरह देखा जाए तो ये तकरीबन एक साल आपका निकाल जाता है, ठीक है, 12 months आपके निकाल जाएगा। सो अगर आपको कॉस्टली लगता भी है, सो यू नो वो वाला मेरा जो मैथमेटिकल एक तरीका होता है, मंथ्स पे डिवाइड करो, डेज पे डिवाइड करो, फिर उसकी जो प्राइस है उसको डिवाइड करो, उसी जगह पे जाके बैठ जाती है। अच्छा, सो अभी जो मैंने स्विच किया है क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, स्किन टाइप जो है वो मेरी नॉर्मल टू ड्राई हो गई है, सो अभी भी मैंने सर्वे का ही लिया है, लेकिन ये वाला लिया है जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए होता है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला जिन लोगों की बम्पी स्किन है, एक्नी वाली है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके इन दोनों के ना इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम हैं। ये तो ये कि आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, कुछ इस तरह के होते हैं क्लेंजर्स जब आप उसको यूज़ करते हो ना, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई करता है, और जब आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है ना तो आपकी स्किन के अंदर एक नेचुरल एक होता है कि आपकी स्किन ना एक पीएच बैलेंस कंट्रोल उसको रखना होता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो एक नेचुरल मॉइस्चर आपकी स्किन के अंदर चाहिए होता है ना वो बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप क्लेंजर को इस तरह यूज करते हो जो कि आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करके ले जाता है, सो आपकी स्किन को मैसेज किया जाता है कि भाई अभी आपने ऑयल प्रोड्यूस करना है, तो वो आपकी स्किन क्या है वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो जब ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो एक्नी भी होगी। ताकि आप क्लेंजर्स लें जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे हों, ठीक है, साइड इफेक्ट्स ना हो और उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीजें हों जो कि आपकी स्किन को ड्राई ना करें। इसमें यूज किया 2023 में भी यूज करेंगी, और मेरा ख्याल है ये इस तरह के क्लेंजर्स हैं जो कि मैं कभी भी स्विच नहीं करना चाहूंगी। ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट है जो कि मुझे मिल गई है, इसको और इसको, इन तीनों चीजों को मैं कभी भी रिप्लेस नहीं करूंगी, ठीक है। बाकी चीजों को जो है ना वो ऑन एंड ऑफ मैं यूज करूंगी रिव्यू पर्पस के लिए, बट क्योंकि एक्नी है, एक्नी अगर मेरी कंट्रोल हो गई है तो इस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो फिलहाल तो मेरा यही इरादा है, हो सकता है इससे अच्छी कोई और प्रोडक्ट मिल जाए तो शायद मैं चेंज कर दूँ।
बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में, हाथ पाँव बार बार लोशन लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अभी स्किन को और मॉइस्चराइजर चाहिए। सो अब मैंने हर तरह के मॉइस्चराइजर ट्राई किए थे, लेकिन मेरी स्किन के हिसाब से मुझे लगता था कि मुझे कोई हैवी किस्म का मॉइस्चराइजर चाहिए। सो ऐसे में मैंने ये फर्स्ट ट्राई किया, एक सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और दूसरी मैंने ये ट्राई की इनकी सेरावे की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अगली सर्दियों से अगली सर्दियां जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तब तक यही क्रीम्स मैं यूज़ करूंगी, इसके अलावा मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करने वाली हूँ तब तक जब तक मुझे कोई अच्छी और थोड़ी सी यू नो बजट फ्रेंडली नहीं मिल जाती। कॉस्टली हैं डेफिनेटली हैं, बट अगेन वही बात कि अगर अच्छी मिल गई तो ठीक है, फिर अब क्या मैं थोड़ी थोड़ी करके लगाती हूँ गुजारा करने के लिए। ठीक है जनाब, तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरी रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक मैं मजीद वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो कि मैंने लास्ट ईयर क्या उससे लास्ट ईयर शायद या अपनी जिंदगी में जो भी प्रोडक्ट्स जो थे मैंने जब ट्राई किए तो मैं उनको दोबारा रिकमेंड नहीं करती हूँ। बताऊंगी, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।